आज औरैया में मामूली विवाद के चलते एक युवक को सरेआम गोली मार दी गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शहर के बीचों बीच गोलीबारी से दहशत फैल गई। मामला शहर कोतवाली के सदर बाजार का है। यहां विशाल नाम का युवक, जो कि सेल्स मार्केटिंग का काम करता है, वह अपनी साइकिल से बिक्री का सामान दुकानदारों को देने के लिए सदर बाजार जा रहा था। इसी बीच रास्ते में विशाल की किसी निरंजन नामक युवक और उसके साथियों से वाहन हटाने को लेकर विवाद हो गया। विशाल के मुताबिक निरंजन और उसके साथियों ने उसके साथ पिटाई शुरू कर दी। विरोध करने पर निरंजन ने तमंचे से उसे गोली मार दी। गोली विशाल के पेट में लगी। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य हमलावर वारदात को अंजाम देकर भाग जाने में सफल हो गए हैं। साइकिल का डब्बा लेके आ रहा था। किसने निरंजन वर्मा के साथ मिले। अच्छा, पहले वो पीछे से गाली देने लगे तो मैंने पैदल थे वहीं खड़े थे बाहर में बस में तो उससे मार दिए। पहले उन्होंने मुझे सब लोगों ने मिल के मारा तो जाने लगा। एक लड़का आया तो उन्होंने पूछा उनसे क्यों मारा, तो वो उनके साथ भी गाली गलौज करने लगे और उनके साथ भी आता। पहले से कोई इनसे कोई आपकी बंदी नहीं? पहले मैं तो उनको जानता भी नहीं। क्या मामला है? ये एक विशाल चौहान नाम का लड़का है, जो बबलू स्टोर्स पे काम करता था, कॉस्मेटिक की दुकान है। वो बबलू के घर से कुछ सामान लेकर के वापस जा रहा था। जहाँ पर हम लोग खड़े हैं यहीं पर साइकिल उसकी जो है डिसबैलेंस हो गई, तो कन्हैया वर्मा नाम के एक व्यक्ति से टक्कर हो गई, जिसमें आपस में कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद कन्हैया वर्मा जो है घर से गया, तमंचा से गया है और उसके ऊपर फायर कर दिया। कन्हैया वर्मा अरेस्टेड है और घायल को अस्पताल भेज दिया गया है। उसको रिफर कर दिया गया, स्टेबल है और पूरे मामले में वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सुनने में आ रहा आरोपी गांजा और इसमें काम करता था, उन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।